हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान और वर्कशीट नंबर 52। और यह वर्कशीट आपका 10 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। फ्रेंड्स, आज के वर्कशीट में हमें दो टास्क गिवन है। एक तो टास्क है भारत के रेखाचित्र मानचित्र पर राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को दिखाना है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को। और दूसरे पे भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थलों को क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं और मैप पे दर्शाते हैं। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट जो है ये आपका है कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920। कौन सा है? कलकत्ता है, और ये सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1920। ये नेक्स्ट है आपका, ये आपका है नागपुर अधिवेशन। क्या है ये? नागपुर अधिवेशन। ये कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका दिसंबर 1920 में है। कितना? दिसंबर 1920 में। ये दिसंबर है और ये सितंबर है। इस दो में से एक वर्कशीट आपको पूछा जाता है एक मैप में। आपको ये एक आपके क्वेश्चंस में आएंगे आपके मैप वर्क में। और ये थर्ड नंबर है आपका, ये बहुत ही आसान है, ये है आपका मद्रास, मद्रास अधिवेशन, और ये 1927 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए आपको याद कैसे करना है। जैसे कलकत्ता है तो सी से कलकत्ता, और ये सितंबर जो है ना ये 1920 में था। कलकत्ता है तो सी से सितंबर, उसके बाद नागपुर है तो एन से नागपुर 1920। ठीक है, तो आपको दिसंबर पहले कोलकाता वाला हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये नागपुर वाला। अब हम टास्क दूसरा दो देखेंगे। चलिए, तो अब हम टास्क सेकंड देख रहे हैं। तो आपको करना चंपारण। चंपारण कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। चंपारण ये है बिहार में, और ये बिहार में है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये चंपारण ये बिहार में है। ठीक है, और चंपारण बिहार में है। यहाँ पे नील की खेती को लेकर के आंदोलन हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में है पहला, दूसरा जो चंपारण जो है ना ये बिहार में है, और खेड़ा जो है ना ये गुजरात में है, तीसरा जो है ना ये आपका अहमदाबाद ये गुजरात में है। ये भी अहमदाबाद कहाँ है? ये गुजरात में है, अहमदाबाद यहाँ है गुजरात में। और चौथा ये आपका फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर जो है ना, अगर आपने देखा होगा तो ये दांडी मार्च भी, ये दांडी मार्च है, ये दांडी मात्र मार्च भी गुजरात में ही है। ठीक है, दांडी मात्र यात्रा कहाँ से हुई थी? गुजरात से हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चौरी चौरा, ये यूपी में है। कहाँ है? चौरी चौरा यूपी में है। ये अमृतसर पंजाब में है, आपको पता ही होगा। वहाँ क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये पंजाब में है। तो आपको पहला जो चंपारण ये बिहार में है, दूसरा आपका अहमदाबाद ये गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, तीसरा क्या है तीसरा अमृतसर जो ये पंजाब में है, उसके बाद आपका चौरी चौरा ये भी जो है ना यूपी में हुआ था, उसके बाद आपका जो दांडी मार्च हुआ था ये भी गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे देखते हैं, आपने मैप पे प्रॉपर वे में देख लिया कहाँ कौन सा है, और ये खेड़ा भी जो है ना गुजरात में ही है। तो ये सारे गुजरात में है, खेड़ा गुजरात में, आपका अहमदाबाद गुजरात में है, और दांडी मार्च गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको इसी मैप में यहीं गुजरात में ही आपको भरना है। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कैसे मैंने अरेंज किया है। तो यहाँ आप देखिए, कोलकाता सितंबर 1920 में हुआ था अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था दिसंबर, और मद्रास 1927 में।
इसके बाद आपको देखना भारत के रेखा मानचित्र पर कौन से किस राज्य में है, तो चंपारण बिहार में, आप मैप में बिहार में आप फिलअप कर देंगे, अहमदाबाद गुजरात में ये भी आप कर देंगे, खेड़ा ये भी गुजरात में करेंगे, और अमृतसर पंजाब में है, चौरी चौरा ये यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में है, और दांडी गुजरात में है, ये भी आप क्या करेंगे फिलअप कर देंगे। तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।